कानपुर चकेरी के अहिरवा हाईवे पर अज्ञात ट्रक ने हाईवे किनारे खड़े पिकअप में टक्कर मार दी। हादसे के दौरान पिकअप में सवार 15 लोग घायल हो गए, जो बच्चे का मुंडन कराने कानपुर से विंध्याचल जा रहे थे। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए काशीराम अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। 10 घायलों को LLR अस्पताल हैलट रेफर कर दिया गया है। नौबस्ता के उस्मानपुर गाँव निवासी 45 वर्षीय सुनील पासवान लोहे के कारखाने में काम करते थे। परिवार में पत्नी नू और बेटी सोना, 2 वर्षीय बेटी त्रिशा और बेटा प्रिंस है। स्वजन ने बताया कि वो अपनी बेटी त्रिशा का मुंडन कराने के लिए शनिवार देर रात पिकअप से विंध्याचल जाने के लिए निकले थे। इस दौरान चकेरी के काशीराम कॉलोनी में रहने वाले उनकी ससुराल के लोग भी पिकअप में मौजूद थे। रास्ते में अहिरवा हाईवे पर पिकअप का टायर पंचर हो गया। इस दौरान ढकनापुरवा निवासी पिकअप चालक 20 वर्षीय सूरज ने पिकअप को किनारे खड़ा किया और इसके बाद ड्राइवर पिकअप का पहिया बदल रहा था। पहिया ठीक होने के बाद जैसे ही सभी पिकअप में बैठने लगे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने पिकअप में टक्कर मारकर भाग निकला। हादसे के दौरान पिकअप में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस उन्हें काशी राम ट्रामा सेंटर ले गई, जहां डॉक्टर ने सुनील पासवान, उनकी मां 60 वर्षीय रामा देवी, बहन 40 वर्षीय गुड़िया, साली 17 वर्षीय कसक और ड्राइवर 20 वर्षीय सूरज को मृत घोषित कर दिया, जबकि उनका साला आकाश, बेटा प्रिंस, बेटी त्रिशा, पत्नी रेनू, भांजा प्रथम, सास रानी, मौसी रीता, रेखा, प्रिया, कुटकुट को उपचार के लिए हैलट अस्पताल भेजा, जहाँ घायलों का उपचार चल रहा है। थाना चकेरी क्षेत्र में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, जो एलिवेटेड हाईवे है, मधुपुर की तरफ जाता है उसका। तो आई विटनेस है उसके अनुसार, एक लोडर में ये परिवार विंध्याचल दर्शन के लिए जा रहे थे। ये आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड थे। एलिवेटेड हाईवे पे ही इस गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ और ड्राइवर ने वहीं पर गाड़ी रोक के टायर बदल रहा था, तभी पीछे से ट्रक ने आके इसको ठोकर मारी, जिससे ये लोडर एलिवेटर पर चढ़ गया। इस घटना में 5 की मृत्यु हुई है, बाकी 10 लोग घायल थे, उनमें से 3 को माइनर इंजरीज, 7 व्यक्तियों को यहाँ पर मेरठ में एडमिट किया गया, जिनका उपचार यहाँ पर चल रहा है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, डॉक्टरों ने उनको देखा है, अच्छा इलाज होता है, यहाँ पर चल रहा है। सर, ये लोग कहाँ जा रहे थे? आपने बताया कि जिस तरह की घटनाएँ होती हैं, जल्द से जल्द होती है, आपको बताएंगे कि साल स्थानांतर करके करीब 27 लोगों की मौत हो गई है। उनसे वही दूसरी दुर्घटना जो है, सुबह देखिए 5 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि हम सब के साथ
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।